बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रकिया होम क्रिएशन। में हम आज एक फेस मास्क बना रहे हैं दही के साथ। व्यूअर्स, समर सीज़न में दही आपका खाना भी अच्छा होता है और उसको अपने चेहरे पे लगाना भी। व्यूअर्स, इससे आपके चेहरे में बहुत ग्लो आएगा, स्किन शाइन हो जाएगी। और जो हम आज अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं, व्यूअर्स, हम एक बाउल लेंगे, उसमें एक टेबल स्पून दही डालेंगे। व्यूअर्स, दही जो है घर की होगी तो अच्छा है, मैंने ये घर की दही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको दही जमाने की तरीका सीखना है तो मेरे चैनल पे है। एक टेबलस्पून हम दही लेंगे और उसमें वाइट दलिया एक टीस्पून लेंगे। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, इनको ब्रश की मदद से इसको मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, दलिया में आयरन होता है, फाइबर होता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होगा। और लीमू में तो आप जानते हैं ब्लीचिंग एसिड होता है। हम हाफ़ लीमू लेंगे और उसका जूस इसमें डालेंगे, हाफ लीमू का जूस। व्यूअर्स, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप दही को अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो आप महंगी से महंगी क्रीमों को भी भूल जाएंगे, क्योंकि इससे आप लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ब्लीच किया हुआ है। स्किन शाइन हो जाएगी, ग्लो करेगी, फेयर हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको मैं आप अपने चेहरे पर, मैं आपको अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, दस से पंद्रह मिनट में आप ये रिज़ल्ट देगा। व्यूअर्स, आप इसको एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखेगा। अब मैं आपको इसको, जब ये खुश्क होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, इसको 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब देखिए कितनी इस पर शाइन आ गई है और स्किन जो है ग्लो कर रही है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये देखिए व्यूअर्स, स्किन शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है। ये देखिए व्यूअर्स, स्किन में शाइन आ गई है, ग्लो कर रही है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।